एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। हम इस कैब में जा रहे हैं, बहुत 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 ही लाला, डर तो नहीं लगा? तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आया। आ जाओ, ब्लॉग बन रहा है। तो मैं चाय बना रही हूँ अभी शान के लिए। शान उठ ही नहीं रहे, बहुत देर से उठा रहे सर, वो भी मुझे उठा रहे थे बहुत देर से। फाइनली हम उठ गए हैं, अब चाय बन रही है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये मिल्क का है, इसमें क्रीमर लिखा हुआ है, बस सिर्फ क्रीमर। ब्राउन शुगर है, वाइट शुगर है, देखते हैं क्या बन जाता है। हेलो एवरीवन, सो हम रेडी हो गए हैं। मेरे बाल बिल्कुल नहीं बने हुए, बट बाल बनाती हूँ और फिर हम जाएंगे। कल हमने यहाँ पर स्विमिंग की थी। इसके नीचे डाइनिंग हॉल है और ये थर्ड फ्लोर पर है पूल। सो शान ने तो शूज भी पहन लिया, मैं जल्दी से पहनती हूँ। गाइस हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर मंदिर है, हर होटल में यह है, नीचे भी पूजा का कुछ कुछ सामान है, ये ऐसे डेकोरेट करते हैं। सो ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा जो वुड की बनी हुई है। सो गाइस हम इस कैब में जा रहे हैं, होटल से ही हमने ली है। नाइट में आपको ये दिखा रही थी, प्रॉपर दिख नहीं रहा था। ये इस टाइप से बना हुआ है मेरा होटल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी की शादी है। So finally, अब हम जा रहे हैं अबोध में सारी विला साइड। So finally, we have booked the villa. क्योंकि बहुत ही शानदार है, जिसको भी नेचुरल पैलेस, नेचुरल प्लेस करते हैं उनके लिए प्लेस है। सो ये तो हमारे हैप्पी प्लेसेस हैं और ये है उसकी एंट्रेंस। एंट्रेंस में हमारे पास एक बहुत बढ़िया वाला स्विमिंग पूल, जहाँ पे आप आराम से रिलैक्स कर सकते हैं भाई। और उसी के साथ फिर हमारे पास एक ओपन किचन, जहाँ पे आपको जो भी बनाना है वो बना सकते हैं। ऑब्वियसली हम नाइट में तो कुछ बनाने वाले हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है यहाँ पे खाने की। और इसी के साथ हमारे पास है वेलकम ड्रिंक्स, वाओ। एंड देन ये है हमारा प्राइवेट विला का एंट्रेंस, इतना ब्यूटीफुल है। सो लेट्स गो। सो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा विला, जहाँ पे हम दो दिन स्टे करने वाले हैं। एंड लिटरली अगर इतना प्यारा विला हो और अगर आपके पास आपकी पूरी गैंग हो, तो आपको बाहर घूमने की तो इच्छा भी नहीं होगी। So guys, ये हमारा डे फर्स्ट है। हम आ गए हैं उबुद में और हमने लिया है विला, जो कि है सो उबुद ईस्ट में विला है, जहाँ पे उबुद मैसारी करके विला है, जो कि एज एन इकोनॉमी विला भी है, लेकिन एकदम लग्जरी विला है, जहाँ पे आपको एक प्राइवेट पूल मिलता है, जो अभी सारा आपको ब्लॉक्स में अंदर दिख जाएगा, और इन्हीं के रेंटेड स्कूटी भी चलते हैं, जो हम आपको दिखाते हैं। सो बहुत ही बहुत 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 ही अच्छा विला यार, मजा आया देखकर। अब हम जा रहे हैं बाहर, देख सकते हो आप, यहाँ रेंटेड स्कूटी है, बट हम जा रहे हैं कार से। कहाँ जा रहे हैं अपन? सो गाइस, अगर आप बाली स्विंग के लिए आते हैं तो पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, तो ये रहा फॉर्म। और ड्रेसेस आप यहाँ से ले सकते हैं, ये रेंटल ड्रेसेस यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और उसी के साथ पूरा पैकेज भी रहता है, उसमें आप इतने टाइप की स्विंग एंजॉय कर सकते हैं। देखें, और ये रहता है 400K में, और बाकी रहता है जो पर्सनल ड्रेस आपको चाहिए पर पर्सन, वो अलग से है, और अगर आपको फोटोग्राफर चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। सो शान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। नॉर्मल मेले में झूला नहीं झूल पाता हूँ मैं, बाले स्विंग करा रहे हैं मुझसे। सो हम कपल वाली स्विंग भी करने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखते हैं कैसे मैं इनको लेकर जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं अभी तो। सो फाइनली फॉर बाली स्विंग हमने पे किया है 1,000,000 रुपया, एंड नाउ शिखा इज सेलेक्टिंग हर ड्रेसेस। सो द मोस्ट हेरोइक क्वेश्चन, कि कौन से कलर के लूँ, पिंक?
लाला डर तो नहीं लगा? सो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली हम ये कर पाए, ऐसा डर बिल्कुल नहीं लगा, बाकी बहुत मज़ा आया। तो देख सकते हैं आप बहुत सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सो यहाँ पर डबल है ऐसे वाला। ये बिग स्विंग है, थोड़ा डरावना सा तो है ही क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है। मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है, इनकी सेफ्टी देखकर भी मेरे को डर लग रहा है। हमारा बाली स्विंग हो गया है, बहुत सारी स्विंग्स थी अलग अलग, बहुत सारे फोटो, बहुत मजा आया। हमने सुबह से खाया कुछ नहीं है, सिर्फ वेलकम ड्रिंक के लिए, क्योंकि इंडियन हमें यहाँ पर मिल नहीं रहा है, तो सब दूर दूर है। बर्ड पार्क बना हुआ है इन लोगों का, ये बर्ड पार्क है, हम बाली स्विंग कर इसमें आए, तो यहाँ से हम अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। प्लीज ओपन इट। यहाँ पे पूरा बर्ड पार्क बना है और ये पूरा पत्थर से हेलीकॉप्टर बनाया हुआ है इन लोगों ने, बहुत ही सुपर्ब लग रहा है। सिवरा बर्ड पार्क है, फोटो स्टूडेंट रेस्टोरेंट जिसके में बहुत ज़रूरत है अब रेस्टोरेंट की, और हियर इज़ अवर ब्यूटी शिखा। फाइनली अब हम जा रहे हैं बाहर, बहुत प्यारा सा बर्ड स्विंग बर्ड पार्क बना हुआ है। सो हियर इज़ द बर्ड पार्क वेयर बर्ड्स आर फ्लाइंग एवरीवेयर। जो फोटोग्राफर ने क्लिक किए थे वो हम सिलेक्ट कर रहे थे और हमने सारे हमारे फ़ोन में ले लिए। ये रहा फोटो स्टूडियो, इसमें आप अपने सारे फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा आपको चाहिए, और सारे भी ले सकते हो जितने भी आपने क्लिक करवाया हो कैमरा में। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बाली स्विंग से, कहाँ लेकर जा रहे हो बैक टू होटल? उनको पता नहीं मैंने क्या बोला है, उनको समझ नहीं आया। हम यहाँ पे बाली स्विंग के लिए आए थे, देख सकते हो आप प्लेस, अभी सब चले गए हैं, बट क्या हुआ कि हम बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, जो हमारे कैब वाले भैया थे बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, तो मैंने चेंज किया एंड हमने सारा सामान लिया और हम वैसे ही चले गए, मतलब शूज़ लिए नहीं यहाँ से। एंड फिर हम मुझे आधे रास्ते में याद आया कि मैं अपने शूज़ यहाँ पर भूल रही हूँ, बट हमने स्कूटी ली, फिर शान मेरे शूज़ लेकर आ रहे हैं। सो फाइनली मेरे शूज़ मिल गए। हम खाना ढूंढते हुए आ रहे थे बट नहीं मिला, सुबह से ढूंढ रहे हैं, अभी रात की 8 बज रही है, देखते हैं कहाँ पर क्या मिलता है अभी। थैंक यू। सो अभी हम जा रहे हैं वापस विला में, और बीच में देखेंगे कुछ मिल जाता है तो खाएंगे। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लोप है, शान पार्किंग देख रहे हैं, और हमें मिल गया है न्यू दिल्ली इंडियन फूड। 10 किलोमीटर से हम अलग से आए हैं इंडियन फूड के लिए, प्लीज हमें इंडियन खाना मिल गया है, और दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा है टेस्ट? गुड। अभी हम मार्केट में हैं, ये मंकी मार्केट है, मतलब गोवा वाली वाइब्स है पूरी पूरी। कल मेरा बर्थडे है और बाली में बेकरी नहीं है, फिर भी हमने केक ढूंढ लिया है। ये शान की मेहरबानी है जो हेलमेट लगाकर पूरा शॉपिंग कर रहे हैं, और मेरे पास भी है, डिक्की हमारी पूरी भरी हुई है स्कूटी की, सो हम ऐसे घूम रहे हैं। मुझे कैंडल मिल गई है यहाँ पर, वो भी 7000 रुपीज़ की, रुपया की कैंडल। ये 30,000 और ये 1,55,000, ये 25,500 और ये 30,000। सो गाइस शॉपिंग हो गई है हमारी, केक भी हमने ले लिया है और कैंडल भी, बाय बाय। केक भी ले लिया हमने और कैंडल भी, और अब हम जा रहे हैं होटल विला। अब हम जा रहे हैं हमारे विला, सेलिब्रेट करेंगे साके केक के साथ, शैम के साथ। आगे स्कूटी में
बाली में घूमने में बहुत मजा आया। पूछा ही नहीं मैंने। क्या अर्पिता पता नहीं किससे बात कर रही है। विशुदी आपके सबसे बड़ी वाली बहन मिली थी आज हमको, इतनी बड़ी। वो भी कहाँ, ये किचन में हमारे आसपास में मिला है और वो लोग जा। अबे अभी हमारे इस तरफ ऑस्ट्रेलियन है सारे और इस तरफ यूएस के हैं और कनाडा के हैं और बीच में हम वेजिटेरियन, तो वो चिपकली से क्या डरे। वो तो ओनर आया बोले अरे इधर आगे बढ़ा दो ना इधर इस तरफ।